हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 5, क्लास 10, सब्जेक्ट साइंस और डेट है 14 जुलाई। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। एज डिस्कस्ड अर्लियर डेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड करते हैं, घूमते हैं किसके, न्यूक्लियस के। यू मस्ट बी थिंकिंग डू दे रिवॉल्व रैंडमली और फॉलो एनी रूल। तो कभी आपने सोचा वो एकदम रैंडमली रिवॉल्व करते हैं और कोई, क्या वो कोई फॉलो करते हैं रूल? येस, देर आर सर्टेन रूल्स, बहुत सारे रूल्स होते हैं। लेट अस नो द रूल्स, तो अभी हमें रूल्स बताएंगे। रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, द ऑर्बिट और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग रिप्रेजेंटेड बाय के। जो भी शेल में रिप्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो किस से रिप्रेजेंट होते हैं? के शेल से। फर्स्ट शेल, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट शेल। एल होती है फिर हमारी सेकेंड शेल, एम होती है थर्ड शेल और एन होती है हमारी फोर्थ शेल। तो देर आर फोर शेल्स, कितनी शेल होती है वहाँ पर? फोर शेल्स होती है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाया भी है, आप देख पा रहे होंगे। तो दिस इज़ न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल हुई, ये सेकंड शेल हुई, ये थर्ड हुई और ये फोर्थ हुई, और इनका नाम क्या है? के एल एम एन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज़ गिवन बाय फार्मूला। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिस शेल में, वो एक फार्मूला होता है 2n² वेयर n इज इक्वल्स टू 1। n क्या होता है? हम 1 और 4 k, तो n क्या हुआ? 2। 4 l, l के लिए n, 3 हुआ 4 m, m के लिए n, 4 हुआ 4 n, n के लिए, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट और k शेल, जो पहली ऑर्बिट में k शेल में होते हैं, विल बी 2 × 1² 2। तो उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। सेकेंड ऑर्बिट और एल शेल, एल शेल कहें या सेकेंड ऑर्बिट कहें, विल बी 2 × 2², तो वहाँ पर क्या हुआ? 8। तो उसमें कितने आ सकते हैं हमारे? 8। थर्ड ऑर्बिट और एम शेल, एम शेल कहें तो 2 × 3² तो वहाँ पर आता है हमारा 18। बट हम उसमें 18 नहीं फिल करते, उसमें भी लास्ट 8 ही होते हैं। सो हम यही गिनेंगे 2 8 8, नॉट 18। फोर्थ ऑर्बिट यानी कि एन शेल विल बी 2 × 4² सो 32, तो उसमें कितने होते हैं? 32, ठीक है। और उसमें भी 32 होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमें लिखा है थर्ड में, आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहर की जो शेल होती है उनमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे हमें यहाँ पे दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। पहले 20 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका हमें नेम दे रखा है, सिंबल दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल दिया है, ठीक है। सो ये देखिए, आप देख रहे होंगे को, मैं इसे छोटा कर देती हूँ। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिए हुए हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। 1 होता है तो के शेल में ही वो फिक्स हो जाएगा। जैसे कि फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसमें के शेल में 2 आ जाते हैं और एल शेल में 5 हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में Mg, इलेक्ट्रॉन्स 12, 2 के शेल में आ गए, 8 किस में आ गए? एल शेल में, और 1 आ गया एम शेल, सॉरी 2 आ गए एम शेल में, ठीक है। ऐसे ही फिर हम जैसे बात करते हैं आर्गन की, Ar, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के शेल में आ गए, फिर 8 जो है एल शेल में आ गए और 8 और एल शेल में आ गए, ठीक है। ऐसे ही फिर आता है हमारा कैल्शियम, Ca, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के शेल में, 1 एल शेल में, 1 एम शेल में और फिर एक और जो हो गया नीचे वो एन शेल में भी 2 चले गए। एन शेल तक की बारी बहुत दूर तक की आती है, बट
जो मेन है वो हमें दिए हुए हैं फर्स्ट 20, तो आप इसे रीड कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमसे बोला गया है प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन के एल एम एन एन शेल, तो कितने आ सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। सेकंड में हमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल गिवन बाय फार्मूला 2n² फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे ज़्यादा नंबर में किसमें होता है एल और एम शेल में। थर्ड में राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइन एल्यूमिनियम कार्बन और ऑक्सीजन का। चलिए देखते हैं। सो ये देखिए फर्स्ट का आंसर, जैसा कि क्वेश्चन लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स लिखने थे कैन बी अकोमोडेटेड जो कि आ सकते हैं के एल एम एंड एन शेल में। सो इन के एल एम एंड एन शेल, इन एन शेल इट कैन अकोमोडेटेड 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमसे सेकंड में बोला गया था कि जो मैक्सिमम नंबर हैं गिवन शेल में 2n² है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल एम एंड एल और एम में कितने होते हैं। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल एम एंड शेल इज 8 and 18। ठीक है, 18 लिखा ज़रूर है बट उसमें 8 ही होते हैं, बट लिखा 18 ही जाएगा। थर्ड में हमसे कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, तो जैसे कि फर्स्ट में हमें दिया गया है मैग्नीशियम, सेकंड में सोडियम और तीसरे में क्लोराइन। सो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ne3S² या फिर 2, सोडियम का Ne3S1, फिर क्लोराइन Ne3S² 3P5। फिर हमें दिया है एल्यूमिनियम Ne3S² 3P1, कार्बन HE2S2 2P2, ऑक्सीजन HE2S² 2P4। ठीक है, तो ये देखो ये तो हमारा थर्ड आंसर हो गया, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट और सेकंड आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, यही थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 5 क्लास 10th की। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।